दिल्ली शराब घोटाला केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। केजरीवाल को अभी भी जेल में ही रहना होगा। दूसरी ओर आप नेता दुर्गेश पाठक को कोर्ट ने 1,00,000 रुपए की जमानत बॉन्ड के साथ जमानत दे दी है। दुर्गेश पाठक के अलावा भी उन तमाम नेताओं को जमानत मिली है जिसके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। केजरीवाल की हिरासत आज खत्म हो रही थी। वह सीबीआई केस में गिरफ्तार हैं, लेकिन कोर्ट ने आज भी जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी कस्टडी 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इस मामले में 5 सितंबर को फैसला आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। ऐसे में केजरीवाल का जेल से बाहर आने का इंतजार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में केजरीवाल को राहत देती है या नहीं। वहीं आज भाजपा विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री ने जेल से कितने फैसले लिए, इसके अलावा उन्होंने कितनी कैबिनेट बैठक की है। भाजपा विधायकों की तरफ से दिल्ली सरकार को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सौंपे ज्ञापन और राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से इस मसले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद दिल्ली में सियासी घमासान मच गया है। भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था ठप है, दिल्ली सरकार बार बार संविधान का उल्लंघन कर रही है, लिहाजा सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इससे पहले खबर आई थी कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा था कि संविधान के उल्लंघन के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। गुप्ता ने एक बयान में दावा किया था कि दिल्ली सरकार द्वारा छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करना और कैग रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न करना संविधान का उल्लंघन है। भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के कारण दिल्ली में उत्पन्न संवैधानिक संकट के बीच तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। गुप्ता ने राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त एक पत्र को साझा करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति ने ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए उन्हें गृह सचिवालय को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह सचिव से इस मामले पर तत्काल और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।